分了。सिंगल मैच में चाहते थे सिंगल मैच आज इसमें निकल कर ताकत किसमें थी मालूम है हाँ सिंगला के अलावा रामण का ने भी लक्ष्मण का ने ले ले वीडियो ऑलरेडी चालू है वीडियो अब आश्रित सभी बचपन में आप देख भी सकते हैं हमारे मौलाना खाने में मसरूफ है और खेती में मसरूफ है देख सकते हैं ये काम ये हमारा काम हम कर रहे हैं ये अपना काम जो जन्नती अमल है वो कर रहे हैं हमारे साथियों को बना रहे हैं जन्नती काम कर रहे हैं हमारे भांजे इंजीनियर किया पड़ रहे आने से पहले सब जो है पानी में खेल कर यहाँ कुछ खा कर जाते हैं लेकिन इनको पानी में खेलने की ताकत नहीं थी इसकी वजह से ये पहले खाकर बाद में पानी में उतर रहे हैं ये खाने का साथ में एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं थककर खाना कैसा दिखता है रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज संडे ईद की छुट्टियों में आए थे तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को लेकर आए कि सैर व तफरी के लिए तो हमने सोचा इस बार जो है तलकाड़ की नदी को जाएं तो इसमें आए फौरन अभी नदी की तरफ नहीं गए हैं तो यहाँ आके पार्किंग की जगह बैठे तो और हमारे भाई और उनके बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है आज हम बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं पाइनएप्पल खा के इंतजार कर रहे हैं सैर तफरी के लिए आए हैं ऐसे ही मजा लेंगे आप लोग भी देखें कि आप भी मजा ले के देखे बना के अब चुरमुरी हाथ में दे दें अब लो मास पकड़ो मास बोलो कैसा है टेस्ट खा के देखो कैसा बने टेस्ट कैसा है बोलो तेज कैसा ये पाइनएप्पल भी 30 रुपए है यहाँ तलकाड़ में चुरमुरी भी 30 रुपए लेकिन फिरने की जगह अगर जाए हम जब हैदराबाद गए थे तो मसाल डोसा जो है पपड़ के जैसा था 80 रुपया था यहाँ तलकाड़ जो है छोटी प्लेस है तो इसके दाम भी जो है वहाँ के मुकाबले में एक आधे बढ़कर है वहाँ 15-20 रुपया रहता 30 रुपए लेकिन ज्यादा भी दिया उसके मुकाबले ज्यादा भी है माशाल्लाह ऐसे ही हम रफ्ता रफ्ता दिखाते जाएंगे आप भी देंगे हमारे भांजे मोहम्मद तलहा और मोहम्मद जैद दोनों आ गए हैं वालेकुम सलाम कहाँ हजरत है हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं बड़े हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं छोटे हजरत वाला अपने दोस्त के साथ तशरीफ लाए तलकाड़ को आए हम लोग मैं हमारे हजरत और हमारे भांजे साहब सभी चलिए आपको नजारा दिखाते हैं तलकाड़ का किस तरह से है पहले यहाँ पर ब्रिज नहीं था अभी एक साल से शायद एक या दो साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका ब्रिज का फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि तादाद किस तरह से है ये हमारे गाँव से 15 या 16 किलोमीटर दूरी में ये मिल जाता है इसका ना ये बहुत फेमस है यहाँ पे एक हिस्ट्री भी है कहते हैं कि यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी बहुत पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता मगर यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस जैसा ये भी है पानी है वगैरह तो सब लोग आते हैं यहाँ पर खेलते हैं और यहाँ की जो बालू कहते हैं हम लोग जो इसकी यहाँ की जो मिट्टी जो यहाँ पर है बहुत सारी नाइस है ये कहाँ भी आपकी कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आएगी ग्लास वगैरह अगर से उसका कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वहाँ पर काम आएगी तो इस वजह से हमारे गांव तरफ लोग बालू जो कंस्ट्रक्शन के लिए पहले बालू जो इस्तेमाल कर रहे थे लोग नदी वगैरह के अंदर जाकर उसको बालू को निकालना कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना तो बहुत गहरा हो गया था तो अभी वो बैन है मगर यहाँ की बालू अगर से वैसा ही रख दिया तो भी कोई आकर नहीं लेके जाता क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम ही नहीं आती तो देख सकते हैं कितना नज़ारा है कितने लोग हैं यहाँ पे एक एडवाइस ये है कि इस पानी में अगर से कोई भी जा रहा है तो पहले नहा लें
अगरचे नहीं नहाते तो खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप मत जाए अंदर ही, क्योंकि पानी उतना पहले जैसा नहीं है। अगर जब साफ साफ सुथरा पानी नहीं है, अगर जब आपको अंदर जाकर खेलना है तो स्विमिंग पूल को जाएं, मैसूर में है बहुत सारे स्विमिंग पूल, वहाँ पर जाकर खेलें। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा रिलैक्स फील होगा आपको उतना ही। और यहाँ पर थोड़े झाड़ वगैरह इस तरफ, अगर राइट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको नज़ारा दिखेगा। हमारे जैद कुछ बोलना चाहते हैं, जैद बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। सलामुअलैकुम। यहाँ पर जो पेड़ वगैरह है कितने खूबसूरत नज़र आते हैं, एक नज़ारा खूबसूरत नज़र आता है कि यहाँ पर पानी वगैरह पर आदमी लोग आते हैं और अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। थोड़ी हरियाली भी है और पानी भी है, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तला क्या तो बोलना है कि चुरमुरी खाकर आपको कैसा लग रहा है बताइए। हमारे भांजे इंजीनियर यहाँ पढ़ रहे हैं, आने से पहले सब जो है पानी में खेलकर यहाँ कुछ खाकर जाते हैं, लेकिन इनको पानी में खेलने की ताकत नहीं थी, इसकी वजह से ये पहले खाकर बाद में पानी में उतर रहे हैं। ये खाने तो भी देर कर रहे हैं, थककर खाना कैसा दिखता है और खाकर खेलना कैसा दिखता है। माशाल्लाह ये इस तरीके से हमारे भांजे में आपकी मेहनत तल्हा कि देखो बहुत अच्छी प्लेस है देखने के लिए। बस आज संडे है इसलिए भीड़ ज्यादा है यहाँ, इसलिए हम जो है थोड़ा बेपरदगी का ये हो रहा है, इसको थोड़ा किनारे होकर जो है हम बच्चों को सैर तफरी के लिए आए। तो देखो इस तरफ ये किनारे में जो है बोट वगैरह की सैर तफरी, इधर तरफ लेकिन डेप्थ है यहाँ पे। राइट साइड में अगर मत जाए, वहाँ पर कुछ इंडिकेशन है, लेफ्ट साइड में आपको कुछ इंडिकेशन मिलेगी रेड फ्लैग वगैरह डाल करें उस। यहाँ पर लेफ्ट में अगर से खेलना है तो लेफ्ट में खेलें, राइट साइड में मत जाए। राइट साइड में कोई भी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी डेप्थ होगी तो देख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर ब्रिज वगैरह नहीं था जैसा कि मैं बताया वीडियो में स्टार्टिंग ही। अभी ब्रिज आ रहा है, पता नहीं ये टूरिस्ट प्लेस बचेगी भी या नहीं, मगर लोग नहीं छोड़ते, कौन सी भी प्लेस हो लोग नहीं छोड़ेंगे। मैं मौलाना शकीब साहब, मौलाना सलमान साहब, शकीब साहब के बड़े भाई सबील साहब, बिलाल साहब, काशिफ साहब वगैरह वगैरह साहब असहाब सब आते थे। साइकिल भाड़े की साइकिल रहती थी उस वक्त, रामणा लक्ष्मण ना बोल कर रहे। अभी ही मौलाना नौ एक भाई के बड़े भाई एक भी कोई है तो आधा घंटा एक रुपए में आधा घंटा था तो वो लेकर हम आ जाते आकर यहाँ, साइकिल लेकर आते, थोड़ा बहुत पानी में भी खेल लेते। पानी में खेलने के बाद जब वापसी होती तो इस रास्ते से ऐसा हम जाते तो काजू मिलता था, आज वो नहीं मिल रहा काजू। काजू की इतना ऐसा बड़ा होकर ऊपर काजू ऊपर काजू रहता, बड़ा जबरदस्त उसका मजा रहता था उसका। तो जाते तोड़ लेते खा लेते, कोई पूछने वाला करने वाला कुछ नहीं था, क्योंकि उस वक्त में है ना बरकत का जमाना की तरह रहता। देते 2 रुपए तो वो 2 रुपए से साइकिल खरीद लेते, खाने के लिए कुछ नहीं रहता पैसे वगैरह। तो जाते हुए देखते कि अल्लाह की कुदरत क्या है, देखकर उसे तोड़कर खाकर चले जाते। तो ये अब देख रहे हैं ना, वो झाड़ दिख रहा है ना वो फल दिख रहा है, अब कोई आए पानी में खेले फिर चले गए। उस वक्त जो बाग होते थे वो काजू के, अभी अंदर जाना, अंदर अभी जाएंगे तो वो मालूम होगा। तोड़ते वक्त कोई अगर आवाज भी कर देता है कौन ही सो बोल गो, फिर रनिंग रेस तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह आती थी, साफ भागते पूरे। काजू खाने देते थे ऊपर का जो रहता था काजू का बीज, वो नहीं देते, ले जाने देते थे, फल खाने देते थे, फल खाने देते थे। दूसरी जगह भी ऐसे ही नरसिंहपुर के अंदर भी बाग में जाते रहे, जाकर जामा तोड़ते करते जामा। वो शरारतें बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह वो शरारतों का फायदा हमको आज है, जो हम आपको
हशाश बशाश जिसे कहते हैं, वो जो हम नजर आ रहे हैं आज, ये हमारी बचपन की शरारतों का नतीजा है। हमारे पास उस वक्त ना मोबाइल होता था, ना हम घरों में बैठे रहते थे, अक्सर वक्त हमारा बाहर होता था, खेलते थे, शरारतें करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, साइकिल मारते थे। ये सारी चीज़ें, छुट्टी हो रही क्रिकेट, छुट्टी हो रही साइकिल उठाना, छुट्टी हो रही दूसरे कोई चीज़, एक चीज़ छोड़े और एक पकड़े, एक चीज़ बस खेलते थे, शरारतें करते थे, पढ़ते भी थे वैसे ही, पढ़ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे होते थे, हर चीज़ होती थी। तो दिमाग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनको, उन तक भी ये पैगाम पहुंचा दें कि आप ना शरारत कर रहे हैं माजिरत के साथ, ना आप खेल रहे हैं, अपने आज़ा को आप ये करके ना खेल रहे हैं, ना आप शरारतें कर रहे हैं। हमारे वहाँ स्कूल में मरकोती भी खेलते थे ना, उन्होंने मरकोती बोले तो एक लकड़ी होती थी, लकड़ी उठाकर दूर फेंक देते तो जो अटका रहता ना चोर, जो भागता वो लकड़ी उठा लेकर ना, उन्हें लकड़ी उठा लेकर आई तक हमें सभी झाड़ा पर चढ़िए थे, तेजी के साथ झाड़ों में चढ़ने की भी हमारे अंदर वो सलाहियत थी। जैसे ही ऊपर चढ़ जाते तो मरकोती, कोती कहते हैं कनाडा में बंदर को, बंदरे को, तो मरकोती एक गेम होता था, वो गेम हम खेलते थे। आज बच्चों को सिर्फ झाड़ में चढ़ने का मोबाइल ही में आता है, डायरेक्ट झाड़ पर चढ़ते हैं, बच्चों को आता नहीं। इसलिए बच्चों से गुजारिश है कि मेरे प्यारों, अल्लाह के लिए मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल देखना है, करना है अच्छे अच्छे वीडियोस जो है, जो तुम्हें फायदा पहुंचती है वो वीडियोस देखो, गेम से, मोबाइल के गेम से दूर रहो, अच्छे अच्छे गेम करो, अच्छी अच्छी शरारतें करो, ऐसी जगहों पर आओ जहाँ पर देखो झाड़, देखो दिखाओ ये झाड़ों के नीचे देखो कुदरती हवा आती है, इसमें जो फायदा होता ना, खुदा की कसम एसी में फायदा नहीं है, कूलर में उतना फायदा नहीं है। हम ये नहीं कहते भाई घरों में एसी ना लगाओ, कूलर इस्तेमाल ना करो, ऐसा नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने से क्या होता, दिमाग फ्रेश होता है। फैमिली के साथ आओ, वरना सिंग सिंगल निकल जाते हैं बस। नहीं, फैमिली वालों के लिए ये नहीं कह सकते आप, फैमिली के बगैर अगर आप आएंगे तो फिर घर के अंदर हमारे होना मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चों की एक प्रॉब्लम क्या है बोले तो, जो बात बोलते हो डायरेक्ट ले लेते हैं, समझना उसके बात को। मौलाना भी हैं, मौलाना अपनी बचपन की बात मुफ्ती साहब कहते भी आपको याद आ रही है तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जी बहुत ही बातें याद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तब तब आना रहता है, और तब तब मतलब ये कि अक्सर बेशतर ईद के मौके पर, ईद के बाद जब हम बेंगलुरु वगैरह से आते हैं, गाँव आते हैं, तो इधर बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, खासतौर बच्चों के साथ जो है हम अपना वक्त जो है सैर व तफरी के लिए था कि बच्चों का भी जहन थोड़ा फ्री हो जाए, इसलिए आते हैं कि हमारे वाली साहब को एक साथ, पहले हम जब छोटे थे आते थे और बॉल लेके आ जाते, बॉल लेके आकर जो है एक दूसरे को फेंकना करना, फिर वो बाल उठक लाए तक झाड़ पर चढ़ जाना, ये झाड़ से वो झाड़, बिल्कुल ऐसा काम करते, बहुत अच्छा भी लगता था। बॉल लकोरी खेलते, अजीब अजीब किस्म की खेल होते थे, शरारतें भी अच्छी, तहजीब के दायरे में शरारतें होती थी, ये बहुत अच्छा रहता, बच्चों के साथ लेकर आए हैं, ये बहुत शानदार रहेगा। आप देख भी सकते हैं हमारे मौलाना खाने में मसरूफ है, मसरूफ है, देख सकते हैं ये काम, ये हमारा काम हम कर रहे हैं, ये अपना काम जो जन्नती अमल है वो कर रहे हैं, हमारे साथियों को बना रहे हैं, जन्नती काम कर रहे हैं, जन्नती अमल कर रहे हैं। एक जो फल है काला जामुन, काला हमारे लैंग्वेज जो बोलते हैं काला जामुन, इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि कम से कम साल में एक मरतबा एक जामुन तो खाना चाहिए आदमी, इसका फायदा ये है। जी जी जरूर खा लीजिए, एक भी खा लिए तो जिस्म में जो चीजें होती है जो हजम नहीं हो रही होता ना, ये इसको हजम कर देता है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर वो दिया है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कभी कभार थोड़ा बहुत खाना चाहिए वरना पेट खराब हो जाएगा। बच्चों के लिए लाया गया है, नहीं सबके लिए लाया, अच्छा ऐसा ना हो कि नाजरीन देखे बच्चों के लिए लाए बड़े खा जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पानी जो आपने देखा नदी का पानी, वहाँ से फिर हम दूसरी जगह पर जहाँ पर झाड़ ज्यादा है वहाँ पर, यहाँ कुछ स्नैक्स भी हमने खाया है, अब हम
बालू गड्ढा उधर है, आपको दिखाएंगे, वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। तो भाई ये बालू गुड्डा, इसे बालू गुड्डा करके बोलती। चार ही बच्चे ऊपर, देख सकते हैं नजारा। वहां से भी आ सकते हैं ना क्या हजरत? उस तरफ से भी आ सकते हैं। इधर इधर सवारी ले आ गया तो आराम से। बच्चे थे इसलिए हम लोग ने सवारी ले ली। बच्चे अगर से बालू में खेलना है तो देख सकते हैं हमारे बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। ये नहीं से इससे कोई घर नहीं बना जाता। हाँ ये बताया मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में, ये कोई ग्लास वगैरह में अगर कर रहे तो वो उसमें काम आएगा। वहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, मूसे की तरह बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। जरा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारे मौलाना बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, देखिए नजारा। सिर्फ नीचे से ऊपर चढ़ने में थकान हो जा रही है। रेगिस्तान की बालू नहीं, ये तलकाड़ की बालू है। देखो बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे पकड़ा पकड़ी खेल रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चों के वालिद बैठे हुए। वालिद सिर्फ यहाँ है, हमारे वालिद इसमें नहीं है। उम्र हो गई है, देखें इनको दसरा हजार सिर्फ दिखाओ। फिर भी जितनी कोशिश की शूज पहन के भी, फिर भी मदरसे का बच्चा हाफिज मोहम्मद तलहा से हार गए।